सुमन प्रकाश गौतम जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यही कोंडली में रहता हूँ जी। आज ये बाबा साहब की जयंती को इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कारण है? बाबा साहब ने से क्या काम किए थे? बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया दलितों के लिए, बहुत बड़ा संघर्ष किया, अपनी कुर्बानियाँ दी, बच्चों की कुर्बानियाँ दी, अपनी मिसिज की कुर्बानियाँ दी, और अपने परिवार को ना देखते हुए वो भी चाहते तो आज बंगलों में घूमते, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर समाज के लिए काम करा और समाज के लिए सब कुछ देकर चले गए, भारत के लिए संविधान देकर चले गए, नारियों के लिए सब कुछ रास्ते खुलवा के चले गए। बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया है और इस पर हम बखान, इतना काम किया कि हम बखान नहीं कर सकते किसी चीज़ का भी। लेकिन आज कोंडली के अंदर एक रिजर्व सीट भी है और यहाँ इतने बहुत तादाद के अंदर जो बाबा साहब के अनुयायी रहते हैं, लेकिन पार्क के अंदर उन्हें आने में क्या शर्म लग रही है? बस पार्क में सब लोगों को अपना वो पैसा, मतलब नौकरी मिल गई है उनको, अपने परिवार चल रहे हैं, बाकी उनको बाबा साहब से मतलब नहीं है। और लोग जो लोग मानने वाले हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग मानने वाले हैं, भव्य मूर्ति खड़ी कर दी, बड़ा संघर्ष किया इस मूर्ति के लिए भी, यहाँ लोग जेल तक गए हैं यहाँ से, और जेल में भी रहकर आए हैं, केस उन पर 6-6 साल तक केस भी चलते रहे हैं और आज 22 साल तक केस चले हैं। आज जो है ये मूर्ति उसकी संघर्ष की ही देन है, और जब हमारे क्षेत्र में काम होते हैं तो थोड़ों में लोगों में मनमुटाव भी होता है, लेकिन वो सब मिटा लिए जाते हैं। चमनलाल गौतम जी, आप मनमुटाव की बात कर रहे हैं जी, 20 तारीख को एक कवच था वो आपका सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया जी, जी जो एट्रोसिटी एक्ट था दलित उत्पीड़न वाला, लेकिन आज भी समाज के वो दर्द नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि जिनने, जिस महापुरुष ने अपने 4-4 बच्चों को बलि दे दिया, अपनी धर्मपत्नी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आज वो जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो बाबा साहब की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। वो आपका कहना अभी सही है, लेकिन बहुत जागृति आ चुकी है हमारे समाज के अंदर, और देखा दो अप्रैल को जितना भी बंद, भारत बंद का वो दिखाया, उसको सरकारों को आंखें खुली और सभी ने समर्थन किया, चाहे वो सरकार चलाने वाले हैं चाहे विपक्ष में बैठने वाले हैं, और आज भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, और हम वादा कर, हम विश्वास है पूर्ण हमें अपने संघर्ष पे, अगर जब तक हमारा ये पूर्ण हमें अधिकार नहीं मिलेगा, संघर्ष करता रहेगा हमारा समाज, और जब मिल जाएगा उसके लिए आगे के लिए संघर्ष और करेंगे। हम संघर्षशील रहे हैं शुरू से, इस देश के वासी हैं हम, मूल निवासी हैं, हमें जो है संघर्ष करना आता है, और हम अब चुप नहीं बैठेंगे।